गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और हम लोग रात में आ गए थे, आपने बोला व्लॉग देख ही लिया, अगर मैंने एंड कर दिया था और ये न्यू व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी सुबह मॉर्निंग का लगभग 11 बजने वाला है, मैं जस्ट अभी बात करके आई हुई हूँ, तो थोड़ा सा रेडी भी होना है मुझे। और ये देखिए, आप सब देख रहे होंगे चली गई, ये देख रहे होंगे सब कपड़े उपड़े पड़े हुए, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे काफ़ी, और फिर कुछ सेट नहीं किया था मैंने, और सब पड़ा हुआ है, इधर उधर कैमरा लटक रहा, तो यही सब कुछ काम है। तो चलो जल्दी से मैं थोड़ा सा हेयर वगैरह अपने सही कर लेती हूँ। चलो भैया कपड़े फैलाते हैं। अरे आ गए, चलो बहुत जीने चढ़ के आए, थक गए हैं, अब कपड़े फैला देते हैं। ये देखो इनको, जितनी बड़ी खुद नहीं उतनी बड़ी बाल्टी उठा रही है। रुक रख दो रख दो रख दो। चलो जलीली फैलाते हैं, और काफ़ी अच्छा लग रहा है धूप में आके, क्योंकि दिल्ली में तो धूप मिलती ही नहीं है, मेरे घर में नहीं आती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है, क्योंकि नहाने के बाद सनशाइन, वाह वाह। बहुत ज़्यादा थक गए हैं कपड़े फैलाने के बाद, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद मैंने हाथ से कपड़े धुले थे, अप्रॉक्स 8 मंथ के बाद। देखो मैंने इतने सारे कपड़े धुले हैं हाथ से, 1 2 3 4 5 6 इतने सारे, तो बहुत थक गई हूँ, अब थोड़ा बैठ लेती हूँ मैं यहाँ धूप में। और ये देखो सब घूम रहे हैं मेरे साथ। हाँ, और मेरी जेठानी जो है नीचे से बातें कर रही थी, मैं ऊपर कपड़े फैला रही थी, कह रही हाँ सबकी वीडियो बना लो, पेड़ों की बना लो, ये कर लो वो कर लो, तो वो मुझे बता रही, मैंने कहा हाँ हाँ बनाएंगे रुको। तो एक तो मुझे ना व्लॉगिंग अभी ठीक से आती नहीं, ना ज़्यादा मैं व्लॉगिंग करी नहीं हूँ, तो ठीक है बस सीख रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा शायद, और अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलो मैं थोड़ी देर बैठ लेती हूँ। ओ शिट, फ़ोन लाना तो मैं भूल गई, नहीं तो आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देती, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू रहता है ना, तो ऊपर नेटवर्क अच्छा आता है, बट मैं फ़ोन लाना भूल गई, तो कोई बात नहीं नीचे जाके ट्राई करूँगी। तब तक बैठते आओ, बैठो तुम लोग भी, ये ना कुछ मैं यहाँ खड़ी हुई बैठो। चलो ठीक है मैं थोड़ी देर धूप खा लेती हूँ, फिर नीचे जाके आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे खोया बन रहा था, आधा बन गया, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं हेल्प कर देती हूँ, तो बैठ जाती हूँ मैं भी। हाँ, इट्स टू हॉट ओवर हियर, बहुत गर्मी लग रही, क्योंकि मैं हाथ में कैमरा भी पकड़े हूँ और एक हाथ से ऐसे ऐसे कर रही हूँ। वो ट्राइपॉड पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ है, नहीं तो इसमें फिक्स कर देती, क्योंकि दिवाली आ रहा है इसलिए खोया बन रहा है, और उसकी फिर मिठाइयाँ बनेगी। वैसे तो मार्केट से आती है, बट घर पे भी बनता है ना, क्योंकि गाय है तो वैसे भी दूध हो जाता है, तो खोया ही मिल जाता है और मिठाई भी बन जाती है। गर्मी भी लग रही है, मुँह लाल हो रहा है, सब लोग हंस रहे हैं मेरा मुँह देख। मुझे उठा दिया गया है क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो दीदी बोले तुम उठो यार हम कर देते हैं। हाँ गर्मी तो लग रही थी वैसे, लेकिन वो इतनी देर से करी थी, मैंने सिर्फ थोड़ी हेल्प कर दी, बट नहीं ले रही हेल्प। और ये मेरे पीछे इतनी देर से लगी हुई है, ये कहाँ गई कहाँ गई। जब मैं कैमरा लिए रहती हूँ, मैं कुछ बोलती रहती हूँ, तो ये मेरे पीछे 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 साड़ी में ऐसे कुछ ना कुछ करती रहती डिस्टर्ब। हाँ हम यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के यहाँ पे टेलर मतलब सिल रहे थे, काम कर रहे थे, तो ये लोग मुझे चिढ़ाने के लिए मेरे पीछे से वीडियो बना रही थी कि हाँ तुम्हारी वीडियो ना हम सबको दिखाएंगे कि हाँ तुम सिल रही हो बैठ के। तो मैंने कहा हमें क्या दिखाओगे, हम खुद कैमरा ले आते हैं फिर दिखा देते। और ये देखो यहाँ पर्दे के पीछे कोई है, ये देखो पर्दा बंद किया जा रहा है, निकल नहीं रही है बाहर। देव हमको मतलब दिखाना चाह रहे थे, हम खुद दिखा देंगे तुमको, सब लोग देख लेंगे। खुद शर्मा रही है, हाँ हमको फेमस करना चाह रही थी है। एक इस कमरे में कोई है इधर, और एक इधर, दोनों पैक है अंदर अपने अपने रूम में, कोई वीडियो में नहीं आना चाह रहा। आ जाओ ना, सब लोग देखेंगे, आओ खुद देखना जब बूढ़े हो जाना तुम लोग। आओ तो आ जाओ ना, ए? तो फिर कहो हाँ, और थोड़ा सा गहने निकालक पहन लो तब आओ, नहीं साड़ी निकालक पहन लो तब आओ। बार बार आना चाह रही बट क्या बताए आ नहीं पा रही, खींच के लाने पड़ेगा लगता है। अरे आओ यार,
निकलो बाहर। सब लोग देखो नई बहू जैसे अंदर है और नई बहू इधर कैमरा कैमरा लिए घूम रही है। पुरानी वाली सब देख लो अब निकली है। एक लोग शीशा लेके थोड़ा सा मेकअप हो रहा है। ये वाली सबसे पुरानी वाली नहीं निकल रही। वो जो सबसे पुरानी वो सबसे ज्यादा शर्मा रही। आओ भैया आओ। अच्छा मेकअप वेकअप कर रही हूँ। आरती थाली ले आए क्या बाहर? बिल्कुल फेक करके पड़ी है। ये देखो हाय भगवान बनौती तुम्हारा था। हाँ हमारे बना रही थी। हमने कहा कि हमारे क्यों बना रहे, हम खुद कैमरा लेके बना ले तो खुद अंदर घुस गई है। और ये है मेरे से मतलब मेरे से बड़ी वाली जेठानी और सबसे बड़ी वाली इधर। ये लोग पर्दा खोल फिर घुस गई है ना, वो बाहर ही नहीं आ रही है। सबसे ज्यादा बता शर्मा रही, क्या बताएं। चलो कोई बात नहीं, जब चांस मिलेगा मैं जरूर दिखाऊंगी इनको, ठीक है? बच नहीं पाएंगी तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो बहुत हाथ पैर जोड़ने के बाद अब निकल रही शायद। आओ पधारो। ये देखो अब निकल के आई है। ये मेरी सबसे बड़ी वाली जेठानी है। चलो अब चलो काम करते हैं दोनों लोग मिलके। चलो ऊपर चलो, चलो चलते कपड़े उठाने के लिए। चलो चलो फिर चला जाए। हम भी भैया बहुत बड़ा घूंघट डाल ले। चलो चलो हम लोग आ गए हैं ऊपर। बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, सब कपड़े उठाने हैं। तो जल्दी जल्दी चलो कपड़े उठा लेते हैं। कैमरा रख देती हूँ थोड़ा सा। बस इतने ही कपड़े सूखे मिले और सारे भीगे हुए। चलो अब नीचे चलते हैं। इट्स टाइम फॉर कबाब रोल। अरे ऐसे ही बना, डरा रहे हैं। गोलगप्पे बहुत खा रहे हैं सच में। वहाँ नहीं खाया था, एक दिन भी नहीं खाया था, और यहाँ बाहर का सारा रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये देखो ई। ये देखो ई। बाय। तो फ्रेंड्स अब बज गए हैं शाम के 10, नहीं नहीं रात के 10। और मैं जस्ट अभी अपना फेस वॉश वगैरह सब करके आ गई हूँ सोने के लिए। और हाँ खाना वाना खा लिया है, सब हो गया है। और खाने का वैसे मन तो नहीं था, क्योंकि अभी गोलगप्पे खाए थे और कबाब पराठा खाए थे, तो भूख तो बिल्कुल नहीं लगी थी। बट सब लोगों ने फोर्स किया, नहीं खा लो, कल भी नहीं खाया था तो आज भी नहीं खाओगी क्या? तो मैंने सोचा चलो आधी रोटी खा लेती हूँ। तो अब सब डन हो गया है। और आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको आते रहें। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।